इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होने वाला आपका दिसंबर जनवरी में कंडक्ट होने वाला है। फाइनली अभी इसका एग्जाम डेट नहीं आई हुई, तो तब तक हम लोग यहाँ पे एक एनालिसिस कर लेते हैं कि जो जनरल साइंस यहाँ पे पूछे जाते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके PYQs हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें, वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार, तो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था यहाँ पे कि सोनार का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ओके, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं, ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब पर, अत्यधिक दाब पर, निम्न दाब पर, उच्च दाब पर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, निम्न दाब पर एट लो प्रेशर। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे वर्ल्ड वाटर डे 2019 की थीम क्या है, विश्व जल दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है, किसी को पीछे ना छोड़ो, सूर्य, पृथ्वी और मौसम, वन और शिक्षा, वनों से प्रेम करना सीखे, आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, किसी को पीछे ना छोड़ो, ठीक है। आर्थर परेरा किस खेल से संबंधित है, वॉलीबॉल से, टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, फुटबॉल। एक पूर्णिमा और उससे अगली पूर्णिमा की बीच की अवधि कितने दिनों से थोड़ी अधिक होती है, 29.5। यदि किसी वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिक सेंटर ओ के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो क्या कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें बीच और निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली एकीकृत ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है, तो अटल नगर छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है, तो कार्बाइन सबसे कठोरतम पदार्थ है। ओके, अगर हम गाइस ये क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करने से ये पता चलेगा कि PYQs में यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है, कैफीन, हशीश, निकोटीन या मॉर्फिन, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, निकोटीन। निम्न में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली उड़ीसा से संबंधित है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, केरल, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, उड़ीसा। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है, इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया है, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान प्रदान किया गया है, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, सी। एक यौगिक का अणु सूत्र C2H6O का यौगिक नाम क्या है, एथेनॉल, डाइमिथाइल ईथर, एथेनॉल दोनों, एथेनोइक अम्ल, डाइमिथाइल ईथर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डाइमिथाइल ईथर एंड एथेनॉल दोनों। बाल एक मिनट, हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे कि विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है, सबसे समृद्ध स्रोत क्या है, नींबू, दूध, दाल, रेड मीट, तो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, नींबू। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 14 दिसंबर, 12 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इनमें से कौन सा एक जोड़ नहीं है, गर्दन, टखना, घुटना, कोहनी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एक कौन सा जोड़ नहीं है, गर्दन। किसी परमाणु के खालिस्तान में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है, बाह्यतम कोष, दूसरे कोष, पहले कोष, बाह्यतम से पहले कोष, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आउटर मोस्ट सेल। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है, बी कोयल, अपने घोंसले में अंडे नहीं देता कोयल। कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं खालिस्तान के बनने की वजह से काली हो जाती है, Ag2S। निम्नलिखित में से कौन सा आंख का एक विकार है, पीलिया, गठिया, साइनस, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, किस तत्व का अष्टक नियम लागू होता है, पोटेशियम, कोबाल्ट, कैल्शियम, ऑक्सीजन, बी कैल्शियम, अष्टक नियम लागू होता है कैल्शियम। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया, अकबर को, फतेहपुर सीकरी को, ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, 2, सबसे छोटा पूर्णांक। और निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का,
निम्नलिखित में से किस देश ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को दोबारा नापने के लिए अप्रैल में अपने पर्वतारोही दल को माउंट एवरेस्ट पर भेजा है? नेपाल को। द रोलिंग ऑफ थंडर अकर्स ड्यू टू, गड़गड़ाहट की आवाज खालिस्तान की वजह से होती है। एक बहुत बड़े बादल से ध्वनि की एक बार परावर्तन से ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परावर्तन। भारी वर्षा के दौरान ध्वनि बहुत तेजी से गरजती है, बादल से गरजती सुपरसोनिक विमान। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, गड़गड़ाहट की आवाज ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परावर्तन। इस बात की खोज किसने की कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं? सर आइजक न्यूटन। भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? कैलोरी में। फूड एनर्जी मेजर्ड कैलोरी। शोल्डर खालिस्तान की मिश्र धातु है। शोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लैड और टिन, लोहा और लैड, तांबा और टिन, तांबा और एल्युमिनियम। लैड और टिन, शोल्डर की मिश्र धातु लैड और टिन। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे खालिस्तान में जुड़े होते हैं? सी समांतर। दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो उसको समांतर। निर्जलीकरण के दौरान सामान्यतः शरीर से नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता रघुनंदन गोखले किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जाती है उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है। टर्न टू स्टीम एट हाई प्रेशर। निम्नलिखित में से किस तत्व को एका बोरोन के रूप में जाना जाता है? स्कैडियम। निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपचय के इलाज के लिए किया जाता है? एंटासिड। अपच के इलाज के लिए किया जाता है एंटासिड। रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? सी केशिकाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम हैज बीन बिल्ट ऑन द रिवर कृष्णा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? डी नागार्जुन सागर। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। पहले एशियाई खेल का आयोजन इनमें से किस देश में किया गया था? भारत में। जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहियों को स्पर्श करता है, अब इनमें से कौन सा पहिए पहिए की गति को रोकेगा? ए पैड और रिम के बीच का घर्षण। किस भारतीय शहर को टाटा नगर भी कहा जाता है? जमशेदपुर। किस प्राकृतिक घटना में स्थैतिक विद्युत शामिल होती है? तो क्या जाएगा? लाइटनिंग तड़ित। गाइस ये जो मैथ के क्वेश्चन है और जो रीजनिंग के क्वेश्चन है एंड बीच में जो भी यहाँ पे जीके वगैरह के क्वेश्चन है वो हम लोग बाद में यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमने सारे यहाँ पे जनरल साइंस के जीके के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर ली। इसके अदरवाइज आप लोगों को डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके अपने डाउट्स को क्लियर कर ले।